अब जमीन पर काम करते हैं, आपकी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है और गरीबों के दलितों के मसीहा माने जाते हैं बिहार में, जैसा है कहा लक्ष्मण त्रिपाठी केस में आप लोग की भूमिका है बहुत अच्छी रही। लेकिन जो सिस्टमेटिक इनजस्टिस जो लगातार चल रहा है, जो जिसको कहते हैं कि हिंसा को लेकर के सजा न मिलना, दंड न मिलना, जो इम्प्यूनिटी है, वो आपके हिसाब से क्यों अभी भी जारी है, क्या वजह देखते हैं? इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को और पिछले 200 साल का जो लीगल हिस्ट्री रहा कास्ट को लेकर के, वो सरकार के रवैये का या कोर्ट के रवैये का, उसका एक खाका, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने रखा गया है। हम लोग के लिए सहज नहीं होता है, जैसे प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा जब मंच पे हों, जिनको हम लंबे समय से सुनते रहे हैं, प्रोफेसर मनोज झा जी हों, तो हम तो इनके सुनने वाले रहे हैं। खैर, मैंने इस किताब को ऐसे सरसरी निगाह से ही देखा है और कुछ हिस्सों को मैंने गंभीरता से पढ़ा भी है। जो प्रस्थान बिंदु मेरे ख्याल से है कि बिहार में जो बिलछी नरसंहार हुआ, और वो कई मायनों में खास है, आपके सवाल पे हमारा यहीं से कि बेलछी नरसंहार वो नरसंहार है जिसमें पहली बार हत्यारों को फांसी की सजा मिली और अंततः फांसी हुई। लेकिन उस समय जो सरकार का एक रवैया था, कांग्रेस की सरकार जस्ट गई थी, जनता दल की सरकार चल रही थी, और उस समय सरकार ने कहा कि ये कोई कास्ट एट्रोसिटी, कोई जातिगत, जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय सरकार का जो कहना था कि उसमें कोई कास्ट एंगल नहीं, बल्कि दो ग्रुप का आपस में टकराव हुआ है। और उस समय के जो सांसद थे एक्रॉस पार्टी, सभी सांसदों ने, खास करके जो दलित सांसद थे, उनके लगातार आवाज़ उठाने के बाद फाइनली उस पर जाँच हुई और फाइनली पाया गया कि वो सरकार ने अपना पोजिशन बदला। हम देख रहे हैं कि उसके बाद 90 के दशक में जब दोबारा से बिहार के भीतर दलित नरसंहारों का एक सिलसिला शुरू हुआ, और आज ही मैं देख रहा था बीबीसी का एक खबर, इसको लेकर एक रिपोर्टिंग आई थी, और हम लोग बहुत महसूस करते हैं कि दलित नरसंहारों के बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ज़मीन का सवाल है। और देश के अंदर जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उभार हुआ, अलग अलग समाजवादी पार्टियों का जो उभार हुआ, और उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, लेकिन उसमें जो कमी हमें हमारे ख्याल से रह गई बार बार, कि जमीन के सवाल को कास्ट एट्रोसिटी के आधार पर हैंडल नहीं किया गया, समझा नहीं गया, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। तो ये जमीन का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल था, और मेरे ख्याल से जितने नरसंहार हुए उसका एक मूल कारण जमीन का सवाल हुआ। अधिकांश जगह पर हम खुद भी दौरा किए हुए हैं, उस दशक में जब जमींदारों के खिलाफ किसानों ने ये कहा, या भूमिहीन किसान, जिसको सामंती किसान कह सकते हैं, सीमांत किसान कह सकते हैं, या भूमिहीन जो लोग थे, दलित समुदाय से सब लोग थे, उन्होंने जब कहा कि हमें मजदूरी चाहिए, बस इतनी सी बात थी, या हमारी महिलाओं के साथ आपको सम्मान से पेश आना पड़ेगा, ये छोटी सी बात लेकर के नरसंहार हुआ। उस समय कोबरा पोस्ट का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें तो पूरा खुलेआम हम लोग समझ ही रहे हैं कि किस तरह की राजनीतिक ताकतों के इशारे से या संरक्षण से वो तमाम दलित नरसंहार हुए थे। सरकार का जहां तक अप्रोच की बात है, हम लोगों ने देखा था कि लंबे समय तक बिहार के अंदर दलित नरसंहार करवाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया बहुत दिनों तक खुलेआम घूम रहा था, समाज के अंदर था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। जब गिरफ्तारी हुई भी और बाद में उनको छोड़ा गया, फिर उनकी हत्या हुई, और हत्या के समय जो तांडव बिहार के अंदर हुआ होगा, हम लोग तो, मेरा घर मनेर में है, और हमने देखा कि किस तरीके से एक जातिवादी सामंती मॉब आरा से चल करके तबाही मचाता हुआ पटना में आता है, और सत्ता का जितना भी ताकत है सर उसके समर्थन के लिए या तो खामोश है या तो लोग उसके समर्थन में चल रहे हैं। तो ये स्थिति उस समय थी, और उसके बाद जब सरकार, उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक जो दलित मैसेकर थे, उसमें हाई कोर्ट में सरकार की लापरवाही के चलते कई सारे लोगों को, जिसको सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, आजीवन कारावास दिया था, उसको अंततः छोड़ दिया गया। इसका एक बैकग्राउंड में हम जाते हैं, जहां पे सिस्टम, इस किताब के ही मार्फत सर कह रहे हैं
किताब में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और खास करके कहानी की तरह चीजों को बताया गया है। कई बार जैसे ब्रिटिश हुकूमत के समय जब ये बात आई, किसी ने कहा, सोचा कि भाई बगैर ब्राह्मणों की शादी करते हैं, क्या दिक्कत है। और उस पर जो ब्राह्मण समुदाय थे वो कोर्ट पहुंच गए, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने उनका बकायदा उनके तर्क को सुना, और कोर्ट ने कहा कि अगर आप बिना ब्राह्मणों का शादी करवा रहे हैं तब आपको ब्राह्मणों को पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह के जो निर्णय देश के अंदर आते गए, जिसने जातिवाद को खास करके बनारस के जो पंडित पुरोहित थे उनको विशेषाधिकार जिसमें दिया गया, तो उस तरह की चीजों को हाईलाइट करके समाज में नीचे तक प्रसारित किया गया। लेकिन जहां भी प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट हम देखते हैं कास्ट के सवाल पे या किसी भी सवाल पे, जब कोई प्रगतिशील वर्डिक्ट किसी कोर्ट का आता है तो उसको ऐसे गुमनामी में धीरे से पुश करके उसको खबर से गायब कर दिया जाता है। जमीन पर आप हैं, आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई तब्दीली दिख रही है, सिवाय इसके कि कोई घोड़ी पे चढ़ गया, कोई मूछ रख लिया, इसके अलावा दलित आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस दिख रही है? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम लोग तो कहीं ना कहीं अब 7 लाख की आबादी हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। कोई अगर MLA है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की आबादी 7 लाख है, और पालीगंज पटना जिला में ही है, और बड़ी आबादी वहाँ मुसहर समुदाय की है, मुसहरी बहुत बड़ा है। हम देख रहे हैं कि आज के समय में, और ये पिछले 5-7 साल से वो नेशनल फिनोमेनन शायद नहीं है, लेकिन आज के समय में दलित समुदाय को और खास करके जो मुसहर समुदाय है उसको सरकार की बनाई हुई एक नीति के चलते उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म करके, और हमेशा इस बात के लिए वो आशंकित है कि कभी भी गिरफ्तार कर लिए जा सकते हैं, हम एक पोटेंशियल अपराधी हैं सरकार की निगाह में, पुलिस की निगाह में, और वो कानून है शराबबंदी कानून। मैं बस 2-3 लाइन्स में कहना चाहूँगा, जैसे अभी सरकार का एक रूल चल रहा है जिसमें शराबबंदी के लिए अलग अलग जिला में जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं शराब को बेचने से रोकने के लिए, उनको टारगेट दिया गया कि आपको एक दिन में, सपोज कीजिए पटना जिला में एक दिन में उनको 100 लोगों को अरेस्ट करना ही करना है। अगर दोपहर हो गया, आज शाम होने लगा और अरेस्ट 100 लोग नहीं हुए, तो जो पुलिस का रवैया वो रैंडम किसी मुसहरी में घुसे और उनको लग रहा है कि अभी 30 लोग बचे हुए हैं, तो मुसहरी से वो रैंडम 30 लोग उठा सकते हैं, और इसके चलते इतनी अफरा तफरी की स्थिति दलित समुदायों में है। आप बिहार के, इस पर भी रिसर्च हो सकता है, ये जो शराबबंदी कानून है उसमें किस तरह के लोगों को गिरफ्तारी हुई है, कैसे लोगों की सजा हुई है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस आता है दारू पकड़ने और अंडा उठा के ले जाता है, मुर्गी उठा के लोग ले जाते हैं, बकरी उठा के ले जाते हैं। तो ये एक नया सिस्टम का इस कानून के माध्यम से